इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिले हैं ओपी राजभर, करीब एक घंटे तक दोनों के बीच मुलाकात हुई। बड़ी खबर आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर का बयान, दो बड़े नेता व्यक्तिगत मुलाकात भी कर सकते हैं, आज शिष्टाचार मुलाकात थी। तो एक बार देखिए, एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर लगातार बीजेपी नेताओं से मिल रहे हैं और आज तो उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की और एक घंटे इस मुलाकात के मायने क्या है, क्या ओवैसी के साथ ओम प्रकाश राजभर का अब मोह भंग हो गया है एक बार फिर से 2017 की तरह 2022 में भी आने वाले हैं। और ओम प्रकाश राजभर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर, आज मुलाकात हुई, क्या बात हुई? थैंक यू सर, मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात थी, हमारा एक व्यक्तिगत काम था, उसी को लेकर के हम भाई स्वतंत्र देव पटेल जी के पास गए थे, और कोई मतलब नहीं है उसका। गठबंधन की कोई बात हुई क्या एक बार फिर से 2017 की तरह, कहीं ऐसा तो नहीं 2022 में फिर एक साथ आ जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो पॉलिटिकल चर्चाएं हैं, ये इसको हम नहीं मानते हैं। लेकिन सर, आप माने ना माने, चुनाव नजदीक है और चुनाव के दौरान अगर इस तरीके की मुलाकात होती है तो फिर सियासी संदेश भी जाते हैं ऐसी मुलाकात से? देखिए, आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, दो राज्य मंत्री हमारी पार्टी से थे उन्होंने इस्तीफा दिया, 8 निगम के मेंबर थे, इन लोगों ने इस्तीफा दिया। क्यों इस्तीफा दिया? हम देश में पिछड़ी जाति का जातिवार जनगणना चाहते हैं, हम सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है, 8-9 प्रदेशों में ये 27% आरक्षण बांट के दिया जा रहा है, हम वही चीज़ उत्तर प्रदेश में चाहते थे जिसको वादा अमित शाह जी ने मुझसे कहा था कि लोकसभा चुनाव के पहले हम 6 महीना पहले कर देंगे, उन्होंने नहीं किया। हम एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा चाहते हैं, हम 33% जो महिलाओं का आरक्षण लोकसभा में विचाराधीन है उसको पास कराने के लिए जो वादा था उसको भी नहीं किया, हम उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी चाहते हैं, हम उत्तर प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री में चाहते हैं, एक भी काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया तो मैंने इस्तीफा देके मैं चला आया। मुझे बात पता है, हम भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी, हम लोगों की बात बहुत अच्छे से पता है कि आप सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, आपके लोग थे सरकार में, लेकिन आपने इस्तीफा दे दिया, बात नहीं बनी। बहुत सारे और भी आरोप थे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात आपसे समझना चाहता हूं, आपने गठबंधन भी अमित शाह के कहने पर किया था 2017 में, बहराइच से मुझे याद है वो चुनावी शंखनाद आपने किया था, एक बार फिर से अगर अमित शाह आपसे कहते कि ठीक है ओम प्रकाश जी आपकी कुछ बातों को मान लेते हैं, तो क्या कोई संभावना है? हमारी देखिए 5 शर्तें हैं, जातिवार पिछड़ी जाति की जातिवार जनगणना, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश में शराबबंदी, और उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति का बेटा मुख्यमंत्री की घोषणा करें तो उसके बाद विचार किया जा सकता है। यानी कि आप मान रहे हैं ना कि संभावना है, अगर ये 5 मांगे मान ली जाती है सरकार की तरफ से तो संभावना है कि एक बार फिर से आप गठबंधन करने को तैयार होंगे, यानी कि मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा है जो अलग से मोर्चा लेकर आप चल रहे हैं आगे? नहीं, इसको लागू करे तब हमारा मोर्चा समझौता करेगा ना, तो लागू हो या ना हो इसी को लेकर तो ये मुलाकातों का दौर देखने को मिल रहा है। नहीं, ये उसको जोड़ करके देखना हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह देखिए प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, आप भी अपनी पार्टी के मुखिया हैं, आप तो मुख्यमंत्री से भी कह देंगे तो किसी काम के लिए तो मना नहीं करेंगे, इसलिए लोग बार बार कह रहे हैं कि आप स्वतंत्र देव सिंह से मिलने के लिए गए हैं, कुछ तो सियासी बात हुई होगी। देखिए, 200 मीटर सड़क में अपने घर, मेरे बेटे की शादी थी, और मैं मुख्यमंत्री जी को 3 बार पत्र दिया, 4 बार विधानसभा अध्यक्ष को दिया, 200 मीटर सड़क नहीं बनवा पाया, अपने समधि का मैंने ट्रांसफर नहीं करवा पाया, और समाज की बात जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट नहीं लागू करवा पाया, एक भी काम भारतीय जनता पार्टी बता दे जो मेरे कहने पर किया हो, और जो ये आरोप प्रत्यारोप ये लगाते हैं हमारे सामने कोई बैठ करके, मैं इनके साथ 9 जुलाई 2016 को गया और 19 मार्च को हम लोग शपथ लिए। ठीक है राजभर साहब, ये आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन एक बात जरा क्लियर कर दीजिए जी हिंदुस्तान के दर्शकों को कि अगर आपने जो 5 मांग इस वक्त उठाई है, अगर वो 5 मांगे मान ली जाती है तो फिर क्या आप ओवैसी का साथ छोड़ देंगे?
पहले ये लागू तो करें, ये लागू करते हैं तो जो लड़ाई ओबीसी जी लड़ रहे हैं वही लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वही लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं जो हम चाहते हैं कि समाज को हिस्सा मिले। पहले ये लागू करें तब ना उसके बाद विचार करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि आपका साफ तौर पे कहना है कि अगर लागू होती है ये पांच मांगे तो फिर आप वो गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे जो कि ओवैसी के साथ आपने करा था और जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत भी गर्माती हुई नजर आई थी। बहुत शुक्रिया राजभर साहब हमसे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद यही है कि अब इस मुलाकात के बाद किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत बदलती हुई नजर आती है इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है।